ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह में सांस्कृति राष्ट्रवाद एवं संस्कृत विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता विधानसभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि संस्कृत माता एवं संस्कृति उसकी पुत्री है, दोनों का प्रभाव साथ साथ पड़ता है। भारत का राष्ट्रवाद अन्य देशों के राष्ट्रवाद से पृथक है क्योंकि भारत के राष्ट्रवाद में संस्कृति महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य देशों में निश्चित भूभाग और वहां का राजा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में कई बार राष्ट्र का वर्णन हुआ है। अथर्ववेद में राष्ट्र की परिभाषा देते हुए कहा गया कि त्याग तपस्या और सहचर से राष्ट्र का जन्म हुआ है। वेद उपनिषद रामायण महाभारत वंदे मातरम सभी में राष्ट्र को माता माना गया है। भारत माँ हमारे प्राणों में बसी है, यही कारण है कि भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। ये सभी प्रेरणा संस्कृत साहित्य से ही प्रदत्त है। संस्कृत के ऋग्वेद में सबसे पहले विज्ञान का दृष्टिकोण दिखा, काल की गणना, सूर्य के गति का ज्ञान के साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा संस्कृत साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है। उपनिषदों में जिज्ञासु प्रश्न पूछता है और ऋषि उसका उत्तर देता है। हम जिज्ञासु राष्ट्र हैं, हम अंधविश्वासी नहीं है। प्रश्न की परंपरा एवं आध्यात्मिक आस्था केवल हमारी संस्कृति में है, जिसे संस्कृत संरक्षित करते आ रही है। जम्मू कश्मीर विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से 6 जिज्ञासु पैदल चलते कश्मीर पहुंचे, वहां ऋषि के आश्रम में जाकर ऋषि से प्रश्न करते हैं। ऋषि एक वर्ष बाद प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं। जिज्ञासु एक वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार जिस कश्मीर ने जिज्ञासा से भरा प्रश्नोपनिषद दिया, जिस कश्मीर में शिव एवं शक्ति की उपासना होती रही, वहां बारूद फैल चुका था। जब केंद्र की सरकार ने धारा 370 और 35A हटाया तो पूरे देश ने इसे स्वीकारा। यही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यदि संस्कृत नहीं रहेगी तो संस्कृति भी हम नहीं बचा सकते हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा की आवश्यक शर्त है संस्कृत भाषा की रक्षा। भारत संस्कृत और संस्कृति को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकती। मुख्य अतिथि दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महान सुरेशदास जी महाराज ने कहा कि संस्कृत भाषा जीवित होगी तभी भारतीय संस्कृति अक्षुण्य होगी। संस्कृत देववाणी है, भारत की वाणी है, मानवता की वाणी है, करुणा की वाणी है, दया की वाणी है, अहिंसा की वाणी है और फिर ज्ञान विज्ञान की वाणी है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जीवन पर्यंत इसी उद्देश्य से संस्कृत एवं संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि उनके इन्हीं प्रयत्नों को आगे बढ़ाकर दी जा सकती है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि संस्कृत भारतीय चेतना और सनातन स्रोत की अजस्र धारा है। सनातन संस्कृत का आधार स्तंभ है। यदि किसी को भारत तथा भारतीयता को समझना है तो संस्कृत की शरण लेनी होगी। विशेष वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के प्रति उसके निवासियों के हृदय में प्रेम की भावना का नाम श्री गोरखनाथ मंदिर का संस्कृत में संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। समारोह का शुभारंभ दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी को पुष्पांजलि के साथ हुआ। श्री रंगनाथ त्रिपाठी द्वारा वैदिक मंगलाचरण, पुनीश पांडे द्वारा गोरक्षाष्टक पाठ प्रस्तुत किया गया। संस्कृत गीत डॉक्टर प्रांगेश मिश्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी, महंत शिवनाथ जी, महंत मिथिलेश नाथ जी, योगी कमलनाथ जी, महंत राम मिलन दास जी आदि उपस्थित थे। संस्कृत के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, संस्कृत का विशेषण वर्तते अनंतर किंचित कथनात् पूर्वं मया त्रिभुवन तेषां हार्दं स्वागतं अभिनन्दनं व्याहरामि पत्ते नारी अनुपुरुषं राष्ट्रवादस्य चर्चा वयं कुर्मः तर्हि कश्चन विषयः राष्ट्रवादे
अस्माकं केवलं भावना एव प्राधान्यं न भजति अपितु ते एव प्रातिनिध्यं कुर्वन्ति। अतः अयं खलु सांस्कृतिको राष्ट्रवादः जायते, यः खलु राष्ट्रवादात् भिद्यते। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितार्थारेण और दाएं बाएं बैठे सभी विशिष्ट श्रद्धेय आदरणीय प्रिय महानुभाव भाइयों और बहनों, और मुझे लगता है काफी देर से प्रतीक्षारत सामने बैठे सभी छात्र और बच्चों, पत्रकार मित्र भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि घोषित कार्यक्रम के गणित से मैं लगभग एक घंटा सवा घंटा विलंब से हूँ। लखनऊ से चलते समय हेलीकॉप्टर के पायलट ने जानकारी दी कि गोरखपुर में मौसम बहुत खराब है। हम लोग 9 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। यहाँ के मौसम की प्रतीक्षा थी, जब ठीक हुआ बताया गया तो हम लोग चले। तो विलंब के लिए तो भी जिसे बुलाया गया है वही जिम्मेदार है। मैं विलंब से उपस्थित होने के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। यह कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और बहुत सुंदर यहाँ पर उद्बोधन भी हुए हैं और प्रस्तुतिकरण दोनों प्रशंसनीय थे। मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए इस मंदिर के धाम के सुधे पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय योगी जी ने मुझे निर्देशित किया था कि मैं यहाँ हूँ, और तदनुसार मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि अपने निवेदन में मूल विषय के भीतर ही रहूं, बाएं बाएं न जाऊं, ताकि समय कम लगे और आज का प्रयोजन भी पूरा हो जाए। भारतीय राष्ट्रवाद और दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्रवाद में मौलिक और आधारभूत अंतर है। दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्रवाद का विचार 10वीं शताब्दी के पहले नहीं था। राष्ट्र जैसी कोई कल्पना 10वीं शताब्दी के पहले भारत के अलावा दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं दिखाई पड़ती। वैसे वह अपने राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म कहते हैं और हम भारत के लोग अपने राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद कहते हैं।
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद दोनों एक हैं, पर ऐसा है नहीं। नेशनलिज्म एक भिन्न अवधारणा है और राष्ट्रवाद एक भिन्न अवधारणा है। सो कैसे? यूरोप के पुनर्जागरण के समय यह विषय उभर कर आया था कि एक भूखंड हो, उस भूखंड में रहने वाले कुछ लोग हों, उन लोगों की लगभग एक जैसी विचारधारा हो, सभ्यता हो, और एक स्टेट हो, राजा, संवैधानिक व्यवस्था, किसी भी तरह की एक स्टेट हो, एक राज व्यवस्था, तो नेशन बन जाता है। भारत में इस तरह नेशन नहीं बनता। एक भूमि हो और भूमि के प्रति हमारा अनुराग हो, राग हो, प्रीति हो, प्यार हो, श्रद्धा हो, आस्तिकता हो, ऐसी भूमि हो, उस भूमि पर रहने वाले जन हो, उनका साझा इतिहास हो, पूर्वजों के प्रति साझा आदर और श्रद्धा भाव हो, उनके साझे उत्सव हों, उनके गीत साझे हों, नृत्य साझे हों, पुलक साझी हो, हास्य साझा हो, स्वप्न साझे हों, स्वप्न, उमंग, रीति, प्रीति, श्रद्धा, आस्तिकता, इतिहास, भूगोल, इसके प्रति प्रेम साझा हो, संवेद हो, एक सहमना सहनव भवत सहनव मनुक्त, ऐसी श्रद्धा करने वाली, ऐसी आस्तिकता वाली एक संस्कृति हो। तो तीन घटक हुए, भूमि जिसके प्रति श्रद्धा भाव, संस्कृति जिसके प्रति हमारा लगाव, और लोग जो परस्पर एक दूसरे से साझे मन के साथ व्यवहार करते। तो ऐसे लोगों से भारत में राष्ट्र का गठन हुआ जाना जाता है। इसलिए भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रभाव को, भारतीय राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका मूल घटक संस्कृति है। दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्र के गठन का, नेशन के बनने का मुख्य घटक संस्कृति नहीं, स्टेट है, राजा है, राज्य व्यवस्था। यहाँ राजा और राज व्यवस्था नीचे है, एक राज व्यवस्था भी चाहिए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है संस्कृति, और उस संस्कृति के आधार पर इस देश में राष्ट्रवाद का, राष्ट्रभाव का उद्भव हुआ। उद्भव कब हुआ? विश्व मानवता के पास अद्यतन केवल ऋग्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी कविता है, एक ऐसा साक्ष्य है जो मानवता के इतिहास में प्राचीनतम है। उसके पहले कुछ भी है, अगर होगा तो उपलब्ध नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का कई बार प्रयोग हुआ, एक बार नहीं, अनेक साल। इंद्र भरुण से कहते हैं कि इस राष्ट्र को देखो आप, इस राष्ट्र को समृद्ध करो आप अपनी क्षमता से। और ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में राष्ट्र के जन्म की कहानी भी लिखी हुई है। बहुत सुंदर सा मंत्र है, मैं हिंदी में ही कहूँगा क्योंकि यहाँ संस्कृत के विद्वान बहुत बैठे हैं और मुझे पकड़ लेंगे मेरी गलती, तो मैं हिंदी में ही बताऊँगा। अथर्ववेद में एक जगह पर आया है, भद्रम इच्छुंत ऋषया, जो ऋषि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने लोक कल्याण की इच्छा से तप किया। तप यानी हार्ड वर्क, खूब परिश्रम करना, तप किया। और फिर आगे की ज्ञान दीक्षा आदि नियमों का प्रवर्तन किया, कुछ नियम विकसित हुए होंगे, और उनके तप से उन्होंने जो दीक्षा और तप किए थे उससे
जिस संस्था का जन्म हुआ उसे राष्ट्र कहते हैं। यजुर्वेद अथर्वेद में ये बात बिल्कुल सीधी कही गई कि उसे राष्ट्र कहते हैं। ततो राष्ट्रम बलो अजायत, उसे राष्ट्र बल का जन्म हुआ। अब एक धारणा भारत की है राष्ट्र की, और एक धारणा दुनिया के अन्य देशों की है राष्ट्र की। अन्य देशों का राष्ट्रवाद आज की इस गोष्ठी का विषय नहीं है, समझाने की दृष्टि से, विषय को रखने की दृष्टि से हमने अन्य देशों के राष्ट्रवाद का उल्लेख करने का एक प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रवाद भिन्न प्रकार का है। यहाँ ऋग्वेद के समय से ही आकाश पिता है और धरती माता है। फिर अथर्ववेद के भूमि सूक्त में वो माता कैसी है, अद्भुत वर्णन है। दुनिया के तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी सभ्यताओं के अनुसार अथर्ववेद के भूमि सूक्त की प्रशंसा की, कैसी माता है धरती माता हमारी। बताते हैं कि हे माता, आप जहां जहां तक विस्तृत हैं वहां वहां तक उत्सव होते हैं, यज्ञ होते हैं, आनंदित होते हैं लोग, नृत्य होते हैं। हे माता, हम जब रात में सोते हैं करवट बदलते समय आपको चोट को नहीं लगती, हम क्षमा मांगते हैं। हे माता, यज्ञ उत्सव आदि विवाह अवसरों पर, विवाह आदि अवसरों पर हम जमीन खोदते हैं, बांस गाड़ते हैं, हे माता आपके मर्मस्थल को चोट तो नहीं लगती। ये भाव है भारत के वैदिक वाङ्मय का धरती के, कि धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र। इस अधिष्ठान पर भारतीय राष्ट्रभाव का विकास और जन्म हुआ। फिर यह भाव ऋग्वेद अथर्ववेद होता हुआ उत्तर वैदिक काल के उपनिषद काल के भीतर से अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हुआ, फिर यह राम कथा रामायण और महाभारत में भी उसी धारा के साथ आगे बढ़ता हुआ, और फिर बंकिम चंद्र के वंदे मातरम में फिर से नई जवानी, नई जवानी के साथ वही भारत माता फिर से, और फिर इस भारत के कोने कोने भारत की भूमि में जहाँ जिसके मन में भारत माता के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हुआ, वहाँ वहाँ उन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, भारत माता का स्तवन किया, भारत माता की स्तुति की, और भारत माता हमारे प्राणों में कुछ इस तरह से इनका प्रतीक बैठा कि भारत माता के प्रश्न पर हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान दी और एक नए तरह का इतिहास बनाया। यह भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है संक्षेप। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास ऋग्वेद के समय उसके पहले से रहा होगा, ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद की भाषा से लेकर आज तक, ऋग्वेद की भाषा को विद्वान छंदस कहते हैं, है वो संस्कृत, थोड़ा अलग विभाजन की दृष्टि से छंदस कह लेते हैं। मैं भाषा विज्ञान का छात्र नहीं हूं, मैं ऋग्वेद से लेकर अब तक की संस्कृत को, भारतीय संस्कृति के जन्म का, उसके संवर्धन का, उसके पोषण का श्रेय देना चाहता। दुनिया के किसी भी देश में भाषाओं के बारे में जो थोड़ा बहुत आप विद्वत जन बैठे हैं आपने, मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा, आप सब ज्यादा जानते हैं। भारत में संस्कृत का योगदान, मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी। दुनिया में जिज्ञासा, दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ। यह ऋग्वेद का ऋषि था जो प्रश्न कर रहा था कि हे देवताओं, मैं इस भुवन का केंद्र जानना चाहता हूँ, प्रक्षा में तो हम भुवन से नांगी। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म है, यहाँ पर अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं। जहाँ पर हम
बारे में, काल की गति के बारे में, अणु परमाणु की गति के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं जिस बिंदु पर, जिज्ञासा करना प्रारंभ करते हैं जिस बिंदु पर, ठीक उसी समय विज्ञान का जन्म होता है। ज्यादा किसने दो गांठों को जोड़ा जहां से गांठ लौटी, किसने कान बनाए, किसने दी आंखें, किसने नाक बनाई, ये सब प्रश्न है। और जहां प्रश्न है, जहां जिज्ञासा है, वहां विज्ञान, वहीं दर्शन। और प्रश्नों की ये परंपरा वैदिक काल से चलकर नीचे आई, और जब नीचे आई तो कठोपनिषद का युवा नचिकेता आप लोगों की उम्र था, उसने यम से पूछा कि हमें आप वो बताइए जो धर्म और अधर्म से परे। तो एक प्रश्नात्मक प्रश्न बेचैन परंपरा भारत की धरती पर संस्कृत मार्ग में ही खिली। ये संस्कृत विद्वान थे जो यजुर्वेद के ऋषि थे, और उन्होंने कहा कि मैं प्रश्नों को नमस्कार करता हूं, प्रश्न बहुत बड़ा देवता है। यह संस्कृति इसी पर आधारित राष्ट्रवाद, संस्कृति का विकास और निर्माण यह संस्कृत के मनीषी कर रहे थे। मैं तो कभी कभी बहुत प्यार में कह देता हूं कि संस्कृत माता है, संस्कृति उसकी पुत्री है। लेकिन मेरे मन में बार बार कि माता तो संस्कृत है और संस्कृति उसकी पुत्री, दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर भी पड़ता है। तो ये तो हुई वैदिक साहित्य की बात। आगे की बात और रोचक है। आप महाभारत काल में आते हैं तो महाभारत में प्रश्न ही प्रश्न भरे हुए हैं। के प्रश्न देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर गीता में वो विश्व दर्शन का बड़ा जरूर खान। फिर महाभारत में तो कहीं पक्षी प्रश्न करते हैं और पशु उत्तर देते हैं, कहीं पशु प्रश्न करते हैं पक्षी उत्तर देते हैं। आखिरकार हमारे राष्ट्र जीवन के पूरे साहित्य में पूरे बाल में ये प्रश्नोत्तर क्यों प्रत्येक स्तर पर दिखाई पड़ता है? दिखाई इसलिए पड़ता है कि हम जिज्ञासा, हम अंधविश्वासी राष्ट्र नहीं है। हमारी चेतना का, हमारे सोच का, हमारे विचार का, हमारी आस्था का, हमारी आस्थिकता का एक जिज्ञासा में है। दुनिया की अन्य आस्थाओं पर, अन्य विश्वासों पर तर्क नहीं हो सकते। प्रश्न करने की परंपरा दुनिया की अन्य आस्थाओं में नहीं है। यहाँ पर प्रश्न करने की परंपरा और आस्था आस्थिकता से भी संवाद, उसको भी जांचने का कौशल, उसके प्रति भी जिज्ञासा भाव, यह संस्कृत में उदित हुआ। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ये तो बातें ठीक हैं कि हाँ दर्शन का विकास संस्कृत में हुआ, प्रारंभ में विज्ञान का विकास संस्कृत में हुआ, वैदिक साहित्य के बाद आगरण और उपनिषद का विकास संस्कृत में हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन कोई पूछ सकता है कि जो भौतिक विषय है सांसारिक, जैसे नाटक ग्रंथी, इसका विकास कैसे हुआ? मैं कहूँगा इसका विकास भरत मुनि ने किया नाट्यशास्त्र में। और जब मैं नाट्यशास्त्र अपनी रुचि के कारण पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, भरत मुनि ने बताया कि इसका पाठ्यांश हमने ऋग्वेद से लिया है, ऋग्वेद से हमको प्रेरणा मिली। फिर कोई प्रश्न करेगा कि फिर जो सांसारिक विषयों में सबसे बड़ा विषय इकोनॉमिक्स है तो वो कैसे भारत में फैला? उसको भी सबसे पहले संस्कृत में ही कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र जैसा विषय दुनिया का पहला ग्रंथ वह संस्कृत में आया। तो शब्दानुशासन, डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स, व्याकरण, यह दुनिया में सबसे पहले किस भाषा में आया? तो पाणिनि के माध्यम से आया, संस्कृत में आया। उस पर भाष्य लिखा दुनिया में सबसे पहले किसी ने? तो पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, वो भी संस्कृत में आया। दुनिया के अन्य विषयों पर, आयुर्विज्ञान पर चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत का ग्रंथ आया, सारंग का ग्रंथ आया,
और पूरी चरक संहिता में भी प्रश्न बेचैनी है, तमाम प्रश्न है, तमाम उत्तर है, लेकिन है किस भाषा में? संस्कृत में नहीं। तो हमारे इस देश के राष्ट्र जीवन के राजवर्ष, इस देश के राष्ट्र जीवन की अभिक्षा आकाश छूने की, इस देश के राष्ट्र जीवन की अभिक्षा परम वैभवशाली होने की, इस देश के राष्ट्र जीवन की अभिक्षा धर्म अर्थ काम और उसके बाद मोक्ष पाने की, ऐसी अभिक्षा मोक्ष की, धर्म की, अर्थ की, काम की, प्रीत की, प्यार की, आकाश में पंख लगाकर उड़ने की, सारी दुनिया को प्रणाम करने की, सारी दुनिया को आगे बढ़ाने की अभिक्षा, सारी दुनिया खिले पूर्व, सारी दुनिया आनंद मगन होकर रहे और हम उसके कर्ता धर्ता कार्यकर्ता के रूप में विनम्र सहभागी बने, ऐसी भारत की प्यास और ऐसी भारत की अभिक्षा पंख लगाकर उड़ना और सारी दुनिया को अपने आदर भाव के साथ अपने साथ रखने का प्रयास करना, यह अभिलाषा, यह मधुर अभिलाषा भारत के मन की है और इसकी अभिव्यक्ति संस्कृत। आगे एक बात जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर इतना बड़ी चर्चा का विषय है, इस सुंदर मंच का उपयोग करने जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि भारत के कोने कोने से छह जिज्ञास, उनके मन में प्रश्न ही प्रश्न थे, ऐसे छह प्रश्न करता पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे, वहां पिपलाद का आश्रम था, पिपलाद से ऋषियों ने पूछा कि हम सवाल करने आए हैं, छह लोग सवाल करेंगे आप मान्यवर उत्तर दे दीजिए, इसको ध्यान से सुने बच्चे। तो उन्होंने कहा कि एक वर्ष तक हमारे आश्रम में रहिए, भोजन करिए, विश्राम करिए, उसके बाद अगर मुझे उत्तर आते होंगे तो मैं उत्तर दूंगा। अब कोई कह सकता है कि अच्छे बाबा रहे होंगे कि वो बेचारे पूछे सवाल पूछने, उनका एक साल एक भोजन करो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्वामी जी ने सोचा होगा कि ये ही तो नहीं सवाल कर रहे हैं, इनके भीतर मुमुक्षा, इनके भीतर प्रतीक्षा, इनके भीतर जिज्ञासा, इनके भीतर प्रश्न बेचैनी आध्यात्मिक है कि ऊपर ऊपर है कौतूहल बस। तो एक साधु को हमारे आश्रम में ऐसा उन्होंने कहा और वह जिज्ञासा ऐसे थे कि एक साल रुके रहे, एक साल पूरा हो गया, उन लोगों ने प्रश्न किए कैसे संसार चलता है जिसके कारण हम सुनते हैं, इनका कान का काम क्या है, ये आंख जिसके कारण देखती है, ऐसे तमाम प्रश्न पूछे। और ये प्रश्न कहाँ पूछे? कश्मीर में। प्रतिक्रिया दर्शन का विकास कहाँ हुआ? कश्मीर में। तो उस कश्मीर में जहाँ पर शिव की उपासना, उस कश्मीर में जहाँ पर प्रश्नोपनिषद की प्रश्नावली डिस्कस हुई, उस कश्मीर में लगातार बारूद, लगातार बारूद या बहुत उत्पीड़नदायक वातावरण था। और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कमाल था कि सारा देश एक हो गया जिस दिन घोषणा हुई कि भारत के संविधान का पद संबंधी अनुच्छेद उसको खोखला कर दिया गया है, वह प्रेत अब भूत हो गया है। प्रेत माने जो होता है बहुत बहुत दिखाई पड़ता, भूत माने जो गया। तो जिस दिन ऐसी घोषणा हुई पूरे देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक आनंद की लहर थी। ये आनंद की लहर क्यों थी? इस आनंद की लहर का कुछ स्रोत ओरिजिन क्या था? इस आनंद की स्रोत का उफान का केंद्र यह भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। एक कोने से दूसरे कोने तक संवेद सब कड़े से ठीक हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं गांव का हूँ और अपने गांव गया हुआ था और कई गांव में जाना हुआ, तो लोग बड़े प्रसन्न कि भैया आपकी तो बड़ा अच्छा होगा, मोदी जी भी हो ठीक है दिन जन पंगा कहा होगा। हमने पूछा कि क्या हो गया? उनको नहीं मालूम था कि अनुच्छेद 370 के गांव में नहीं मालूम, लेकिन उनको ये मालूम कि बड़ा ठीक हो। इसके पीछे का जो रहस्य है वो वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रहस्य। भारतीय संस्कृति का अनुच्छेद जहां जहां तक था वहां वहां तक कुछ भी गलत होता है तो गोरखपुर में बैठा व्यक्ति, हम नौकर रहने वाले वहां बैठा, पश्चिम में, पूर्व में, केरल में, दक्षिण में, उत्तर
प्रकार का होता नहीं है। भारत का संविधान बन रहा था, हमारी आज की अंतिम बात है। भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा अपना काम कर रही थी, संविधान सभा में प्रस्ताव आया गो संरक्षण, तमाम लोगों ने विरोध किया। अब आप ये देखें कि संविधान सभा में गो संरक्षण का प्रस्ताव क्यों आया, इसलिए आया कि हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक काल के बाद के ग्रंथों में सब जगह पर गाय को अवध्या अरण्या, ऋग्वेद में अरण्या, और उसको माता की तरह पूजा गया। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में भी यही प्रश्न आ गया और काफी बहस हुई उसे संविधान सभा के माध्यम से। नीति निदेशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दी स्टेट, उसमें उसको स्थान मिला। गांव पंचायत एक प्राचीन परंपरा से मिला, गांव पंचायतों को स्थान डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मिला। ऐसे सारे प्रश्न जो भारतीय संस्कृति से जुड़े थे और संस्कृत के बारे में भी चर्चा संविधान सभा में बड़ी लंबी हुई और कहा गया कि संस्कृत से केवल संविधान सभा ने कहा, ऐसा नहीं, विलियम जोन्स ने भी कहा, दुनिया के अनेक भाषा शास्त्रियों ने कहा था। यहाँ तमाम भाषा विज्ञानी बैठे होंगे, जो शास्त्रीयता है भाषा की मैं उसका निर्वचन नहीं करूँगा, अलग से समय लगता है। तो भारत की संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर भी नजीमुद्दीन अहमद जैसे लोग, उन्होंने कहा संस्कृत को श्रेष्ठ भाषा। और जब विलियम जोन्स ने कहा था कलकत्ते में कि संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा है, तो यहाँ तक तो हमारे विद्वानों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने आगे जोड़ दिया और कहा कि मुझे लगता है कि हमारी भाषा और संस्कृत, हमारी भाषा यानी वहाँ की लैटिन आदि भाषाएं, तो उसने कहा हमारी भाषाएं और संस्कृत ऐसा लगता है किसी दूसरे स्रोत से आई है, तो संस्कृत भी छोटी होगी। लेकिन ये संस्कृत के छोटी होने का एक अलग विषय है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब अंग्रेजी सत्ता ने भारत की सत्ता हथिया ली और इंग्लैंड के शासकों को ऐसा लगा कि भारत पर शासन करना बहुत कठिन इसलिए है कि गांव-गांव संस्कृत है, गांव-गांव दर्शन है, गांव-गांव आत्मबल की बातें होती हैं, गांव-गांव शिव हैं, गांव-गांव शैव हैं, गांव-गांव वैष्णव हैं, यहाँ पर शासन करना बहुत कठिन है। तो वहाँ एक पंचायत हुई और जर्मनी से मैक्स मूलर को बुलाया गया। मैक्स मूलर ने सिविल अधिकारियों को, भारत आने वाले सिविल अधिकारियों को एक महीने तक प्रशिक्षण दिया और उस प्रशिक्षण में मैक्स मूलर द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन इस समय व्हाट इंडिया कैन टीच अस नाम से संकलित, अर्थात मैक्स मूलर कह रहा है अधिकारियों से कि आप भारत जा रहे हो शासन करने की कम सोचना, सीखने की ज्यादा। व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमको क्या सिखा सकता है, भारत हमको उदार भाव सिखा सकता है जो संस्कृत की परंपरा है, भारत हमको इस प्रत्यक्ष जगत के परे अप्रत्यक्ष जगत के बारे में भी जिज्ञासा देता है और इस जिज्ञासा की अभिव्यक्ति संस्कृत में होती है। दुनिया की अन्य भाषाओं में भावों के लिए कम शब्द हैं, प्रत्यक्ष रूपों के लिए ज्यादा। मैं इसे ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मेरे सामने माइक है, ये वस्तु कंपनी ने इसका नाम माइक रख दिया। मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ कोई देवता है, देवता दिखाई नहीं पड़ता, तो आप कैसे मानेंगे बिना रूप वाला। संस्कृत में बिना रूप वाले भावों के लिए ढेर सारे शब्द, ढेर सारे, और इसलिए संस्कृत से ज्यादा संपन्न, संस्कृत से ज्यादा समृद्ध, संस्कृत से ज्यादा संस्कार की भाषा, देवताओं से संवाद करने वाली भाषा, परमात्मा से ही प्रार्थना करने वाली भाषा, जीवन को सगुण और निर्गुण दोनों तरह से समृद्ध करने वाली भाषा, ऐसी भाषा। और इसी भाषा के प्रवाह में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म, उद्भव और विकास हुआ और यह राष्ट्र दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्र है।
इंद्र इन सप्त सिंधु के क्षेत्र में जल बरसाते हैं। तो शंकर ने अपने बड़े ग्रंथ में लिखा है कि वेद में जहाँ पर इन सात नदियों वाले क्षेत्र की चर्चा है, यहाँ एक सुनिश्चित राष्ट्र का जन्म लिया गया, नाम लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी बात आज का निवेदन पूरा कर दिया है। यहाँ संस्कृत के छात्र मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, संस्कृत के विद्वान नहीं, अभी उनका निवेदन प्राप्त हुआ था। मैंने कुछ सहायक बिंदु यहाँ रखे हैं। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति को श्रद्धा पूर्वक विनयावत होकर बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। उनके श्री चरणों में सिर झुकाता हूँ। स्वयं को अकिंचन भाव से दोनों महापुरुषों के प्रति मैं अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों के प्रति भी बहुत आदर भाव व्यक्त करता हूँ। मैं इस विषय का कोई अधिकारी विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरी साधारण पढ़ाई अर्थशास्त्र में एमए के विद्यार्थी के रूप में हुई है। कुछ बातें जोड़ बांट कर मैंने यहाँ रखी हैं। मुझे विश्वास है कि हमने दायित्व के रोहन करने का प्रयास किया है। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, उनके पीछे बैठे सभी महानुभाव पत्रकार, सबके प्रति आदर भाव श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद कि आपने मैंने भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास संस्कृत में हुआ है। अब तो सारी दुनिया की सभी भाषाओं में संस्कृति भारत की यह प्रकट हो रही, व्यक्त हो रही। संस्कृत में भारत का प्राचीन वाङ्मय है, विज्ञान है, दर्शन है, संगीत है, कला कौशल है, वो संस्कृत में व्यक्त हुआ है। भारत को समझने के लिए संस्कृत अथवा संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद ऐसा पढ़ना चाहिए। सबको हमारी अपील है, अपने जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनसे।